इंदौर के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इंदौर कर्मठ परिश्रमी कर्तव्यनिष्ठ देशभक्त और जागरूक नागरिकों का शहर है। तीन तीन बार स्वच्छता सर्वेक्षण में हम देश में नंबर एक पर आए हैं। अद्भुत है ये शहर। पूरे शहर में शहर की जनता ने एकजुटता और सामूहिकता के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सरकार भी हमेशा आपके साथ खड़ी है। लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मैं प्रशासन और आप सब मिलकर इस युद्ध को लड़ रहे हैं। इंदौर में हमने कोरोना की जड़ों पर प्रहार किया है। कोरोना को परास्त करने की हमारी रणनीति है, योजना है। IITT पहले कोरोना संक्रमित का पहचान, आइडेंटिफिकेशन, फिर जो इलाका है उसको आइसोलेशन में ले जाना, कंटेनमेंट एरिया घोषित करना और फिर टेस्टिंग करना और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करना। व्यापक पैमाने पर सैंपल लेकर टेस्टिंग की गई है और जो सैंपल लेकर टेस्ट किए गए वो देश के किसी भी प्रदेश के औसत टेस्टिंग से कहीं बहुत ज्यादा है। इसलिए पॉजिटिव प्रकरण आए हैं, पॉजिटिव पेशेंट आए हैं, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। जरूरी था, अगर हम टेस्टिंग नहीं करते, टेस्ट नहीं करते तो पता नहीं चलता कहां कहां पॉजिटिव है और रोग फैलना। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टेस्ट होना, पॉजिटिव अगर आ गए तो उनको ट्रीटमेंट करना, यह हमारी रणनीति है। इसी से कोरोना को हम जड़ों से समाप्त करेंगे। और आप जानते हैं मेरे बहनों और भाई, जो समय पर अगर इलाज मिल गया तो कोरोना के पेशेंट ठीक होते हैं। इंदौर में स्वस्थ होकर कोरोना के पेशेंट अब अपने घर पहुंच गए। इसलिए घबराए नहीं, डरे नहीं, मिलकर लड़े कोरोना से, हम जीतेंगे। स्थिति अब नियंत्रण में आती जा रही है, बस जरूरत है एकजुटता, सामूहिकता, अनुशासन का पालन। लॉकडाउन टोटल, कंटेनमेंट एरिया से निकलना नहीं है, अंदर भी नहीं जाना है, बाहर भी नहीं आना है। प्रशासन के निर्देशों का मिलकर पालन हम पूरी तरह से परास्त करेंगे। इंदौर को कोरोना से मुक्त करेंगे। हम सब साथ हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।